हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मैं बनाऊंगी चिकन, तो आज मैं बना रही हूँ बढ़िया स्पाइसी चटपटा चिकन, जो घर में सब लोग खाएंगे। और जोया बाबा जो लेकर आए थे कच्ची घानी सरसों का तेल, तो उसी में मैंने बनाया है और सबने खाना खा लिया। यमी यमी, आज सभी को मजा आ गया खाने में। और आज है जुमा और मैंने जुमे की नमाज पढ़ ली है, तो मैंने ऐसे ही बाल बांध दिए थे नमाज पढ़ने में, तो गीले थे तो मैंने बाल खोल दिए। तो जोया पूछ रही है कि बाल क्यों खोल रहे हो, तो मैंने बताया कि नमाज पढ़ते में ऐसी जल्दी से चोटी गूंथ ली थी, तो वो गीले गीले बाल थे, इसलिए मैंने सुखाने के लिए खोले हुए हैं। तो जोया पापा को चाय भी दे चुकी हूँ मैं, और अब मैं यहाँ सब बंद करके जाऊंगी और अब थोड़ी देर लेटूंगी। तो गाइज, मैं सो गई थी, सो के उठी तो फिर मैंने सोचा कि जोएल बाबा के लिए चाय बना दूं। और सो गई थी, बहुत ज्यादा थक गई थी मैं, बहुत ज्यादा थक गई थी। एक तो थक गई थी, दूसरा मुझे रात में कल घबराहट बहुत हो रही थी, बहुत तेज तेज हो रही थी, और उससे ज्यादा मैं सुबह हो रही थी, नींद नहीं आ रही थी घबराहट की वजह से, और उसकी वजह से सुबह ऐसे हो रही थी। एक तो मुझे सांस की प्रॉब्लम है, तो पेट तक सांस भी सही से मैं ले नहीं पा रही थी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे नॉर्मल हुई है। और उसके बाद फिर पापा को चाय ले जाओ, तो उसके बाद फिर नॉर्मल हुई और फिर कुकिंग की। रात ही में चिकन मंगा लिया था, आपको बताया भी था कल मैं चिकन बनाऊंगी, तो फिर कुकिंग की। कुकिंग करने के बाद फिर जुमा था, तो फिर जुमे की तैयारी, फिर नमाज नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं लेट गई, सो गई नहीं, फिर हमने खरबूजा वरबूजा खाया। उसके बाद फिर मैं देर से सोई हूँ। आज डेटा की शिफ्टिंग होना थी, जो हम लोग का डेटा इतने दिन से नहीं आ रहा है, तो वो अब इसमें नए बॉक्स लगे हैं, दूसरे वेंडर को शायद काम दे दिया था, तो अब उसकी शिफ्टिंग होगी। तो जिन जिन की एप्लीकेशन पहले लगी थी, तो उन उनके आज रात 8 बजे तक उन्होंने, मैंने कहा कि आज मेरा भी शिफ्ट कर दो, तो वो कहने लगे आज किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते हैं, 8 बजे तक भी टाइम नहीं है। तो फिर अब कल सुबह 10 बजे का टाइम दिया है, 10 से 12 के बीच कल इंशाल्लाह डेटा आ जाएगा। ये हैदर को देखिए आप क्या कर रहा है। तो आज मुझे जाना है टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने के लिए। टिटनेस का इंजेक्शन वो है, क्या कर रहा है, तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाऊंगी। कल मैं मोटर की टोटी खोल रही थी, तो मेरे यहाँ लोहे का तार लग गया और अंधेरा हो रहा था, उस तरफ दिखा नहीं, मैंने एकदम वो लग गया और हल्का फुल्का लगता नहीं, वो उसमें ब्लड आने लगा। जो पापा से पूछे, जो पापा बोले नहीं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना, तो मैंने कहा ठीक है टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लूंगी। तो फिर मेरी बहन नर्स है, उनसे पूछा कि कब तक लगता है, तो बोली 72 घंटे के अंदर लग जाता है, लेकिन जल्द से जल्द लगवा लो। फिर मैंने कहा ठीक है, पूछ है ना, तो मैंने कहा ठीक है, मैं 72 घंटे के अंदर नहीं, पहले ही लगवा लूंगी। तो अब जुमा था, जुमे की वजह से डॉक्टर जब तक नमाज पढ़ के उठे, डॉक्टर भी उठ जाते हैं, शाम को 5 बजे बैठते हैं। तो अब मैं जाऊंगी, अभी मैं बना रही हूँ रोटी, आटा गूंदूंगी, आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। और रोटी बनाने के बाद फिर इससे पहले मैं नमाज पढ़ लूंगी, क्योंकि अब असर का टाइम हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी और उससे फिर आराम से जाऊंगी, क्योंकि अब तो 5 बजे से फिर अब बैठे रहेंगे, करीब रात 8 बजे तक बैठे रहेंगे। तो मैं जाऊंगी अभी इंजेक्शन लगवाऊंगी, इंजेक्शन लगवाने के लिए। घुमाया बहुत ज्यादा, झिंगुर हो गया है, नाक में दम करके रखा है, अब पता नहीं किसको ले जाऊंगी, आपको ले जाऊंगी, फिर भी ले जाऊंगी। तो अभी मैं जाऊंगी, तो जा रही हूँ मैं नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के फिर मैं आटा गूंदूंगी, आटा गूंदने के बाद फिर वही रोटी बनाऊंगी और उसके बाद फिर जाऊंगी इंजेक्शन लगवाने। तो लेट आप बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, सो के बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर लिया है। तो पापा इनके बाहर सफाई भी कर रहे हैं, जो कबाड़ था उसमें एक कमरा गंदा था, उसकी सफाई करना थी, तो वो साफ भी कर रहे हैं, साथ साथ वो काम भी कर रहे हैं। तो पापा को चाय पहुंच गई है, एनर्जी आ जाएगी उनको। अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए।
मैं नमाज पढ़ने जा रही थी तो जो है पापा ने मुझे अंजीर दे दी। मैं वजू बनाने के लिए बाहर गई थी तो मैंने सोचा उनको धो के फ्रिज में रख दूं, इस बार 3 है और सुबह तक एक आध और मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक एक करके अंजीर मिल रहे हैं, बहुत ऊंचे पे लगे हुए हैं, बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, एकदम नहीं मिलते हैं। तो पहले मैंने सोचा रख दूं, लेकिन जहां मुझे रखना था वहां सब जगह अंडे ही अंडे रखे हुए हैं। तो मैंने सोचा कटोरी में करके एक तरफ रख दूंगी मैं। तो अब मैं जाऊंगी नमाज पढ़ने। यहाँ पर जो है हैदर को मालूम नहीं था कि कैमरा ऑन है। जब हैदर को मालूम हुआ, अरे इनको ऑन है, हैदर घबरा गया, शर्मा गया। अरे हैदर समझ रहा था कि कैमरा ऑन नहीं है। तो यहाँ मैं नमाज पढ़ चुकी हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी है, एकदम जब आप ऐसे दुपट्टा बांधो तो पूरी गर्दन पसीने में हो जाती है। तो बस लगता है कि कूलर के सामने जाओ। और चादर को तो हर 15-20 मिनट में आओ आप और चादर ऐसे सही करो, क्योंकि हैदर ऐसे कूद भांग के ऊपर बेड पे चढ़ते हैं, फिर बेड में लौटते हैं कि कैसी भी चादर हो वो टिक ही नहीं सकती बेड पे। तो सोफा हो या चादर, हर 15-20 मिनट में करना ही पड़ता है। कोई अचानक आ जाए तो देखे कि कैसा बिखरा हुआ है। उनको नहीं मालूम हुआ कि मैं दोबारा से कितने बार कर चुकी होंगी। तो हैदर बाबू ऐसे ही करते हैं, जुआ नहीं करती है, हैदर बहुत करते हैं। इसीलिए इलास्टिक वाली जो चादर है वो बहुत ज्यादा सही है, ज्यादा खराब नहीं कर पाते हैं। गुजर मुजर तो कर देते हैं लेकिन उसको निकाल नहीं पाते हैं, गद्दे नहीं दिखते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, इनकी शैतानी देखिए बस जारी रहती है। कुछ भी हो बस इनकी शैतानी ही शैतानी ही करते रहते हैं। अब शाम हो गई और शाम का खाना मैंने सोचा इन लोग को दे दूं, आज चिकन बनाता हूँ। और सब जल्दी उठ गए थे तो मैंने सबको आज जल्दी खाना खिला दिया था। अब कोई मना नहीं करेगा, बिग जोया के पापा सबसे ज्यादा तो वही करते हैं, मुझे नहीं खाना है अभी, मुझे नहीं खाना है, मैं आके खाऊंगा। तो आज मना नहीं करेंगे, वो जाते हैं शाम को नहाने के लिए और मैं यहाँ रोटी तैयार कर देती हूँ ताकि उनको खिला दूं, उनको खाना खिला दूं। तो मैं बहुत ज्यादा फ्री हो जाती हूँ। तो यहाँ पर गैस मुझे परेशान कर रही है, गैस नहीं जल रही थी और आपको पहले ही बता चुकी हूँ मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। यहाँ गए मेरे बातूने बाबू, इनको मेरे बिना चैन नहीं रहता है, ये कुछ ना कुछ मुझे बताते रहेंगे। और आज भी डेटा नहीं आया, आज भी जैसे कि उन्होंने बताया कि शेड्यूल रिशेड्यूल में भी 29 का ही है, टाइम ही नहीं है। और बच्चों को तो यकीन नहीं है, बच्चे कह रहे हैं कल भी नहीं आएगा, देखना मम्मा कल भी नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं, अब वो शेड्यूल के हिसाब से काम करेंगे, अगर उन्होंने शेड्यूल का टाइम दिया है तो डेटा आए ना आए लेकिन वो लोग जरूर आएंगे। ये यहाँ पर ये कर रहे थे, इनको मालूम नहीं था कि वीडियो बन रहा है, पकड़ेगा यार, ये बार बार ऐसे करते हैं। जो कह रही क्या हो गया, मैंने कहा ये हमेशा ये जो करते हैं ना अपने बम में मारते हैं, इनका कैप्चर हो गया। ठीक है मम्मा हटा देना, मम्मा हटा देना। मैंने कहा नहीं हटाऊंगी, देखिए कैसे शर्मा के नीचे बैठ गए, कितनी शर्म आ रही है इनको, आज ये पकड़े गए। देखिए दूसरा दिखा रहे हैं, आज ये पकड़े गए हैं। देखिए पकड़े गए। अब क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो बस वही है कि अब हो गया कैप्चर, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो फिर आ गई है, ये मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अगर मैं कुछ भी चटपटा खाऊं तो सबसे पहले ये पानी लेकर आते हैं। तो गाइस शुरू हो गई मेरी तो रोटी बनना, मैं रोटी बना रही हूँ और आप सब बारी बारी खाना खाएंगे। आज मुझे भूख नहीं लग रही है लेकिन खाना तो मैं खा ही लूंगी। फिर आ गई है मेरे शैतान बाबू, तो मैं जा रही हूँ अब टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने के लिए, आपको बताया था। और जो है पापा के साथ ही जा रही हूँ तो अब मैं निकल गई हूँ टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने के लिए डॉक्टर के पास। ज्यादा दूर नहीं है डॉक्टर जहां मैं जा रही हूँ, और
पास ही में है लेकिन इतने पास भी नहीं है कि 4 कदम में हो। कितना अच्छा नजारा लग रहा है शाम का, गर्ल पापा के साथ तो शाम को निकली हूं मैं, मजा आ रहा है मुझे तो बहुत ज्यादा। और ये हमारे जामा मस्जिद की मीनार है और ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। जब भी मैं इस तरफ आती हूँ तो मेरी नजरें बस यही टिकी रहती हैं। आपने तो देखा है मेरे छत से भी दिखती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है ये। देखिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये हमारे की जामा मस्जिद है। शाम को यहाँ बहुत रौनक रहती है, हम लोग को ये बजरिया कहलाया जाता है ये इलाका, और बहुत ज्यादा रौनक, बहुत ही ज्यादा शाम को रौनक रहती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सब बाहर निकलते हैं और एक से एक चीजें मिलती हैं खाने की, तो ये दुनिया भर की चीजें, मोमोज, चाइनीज भजिया, तो मजा आ जाता है। तो मैं आ गई हूँ डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास मुझे आना पड़ा आज टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने के लिए। डॉक्टर किसी को देख रहे थे तो मैं यहाँ बाहर वेट कर रही थी, और जोया के पापा अब यहीं से मेडिकल है तो यहीं से इंजेक्शन ले लेंगे, इसी क्लिनिक में मेडिकल स्टोर भी है तो वहीं से ले लेंगे। फाइनली मैं टिटनेस का इंजेक्शन लगवा कर आ गई, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा आज, और बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। चाहे आप पैदल जाओ चाहे गाड़ी से जाओ, बारिश हो रही है लेकिन ठंडा नहीं हो रहा है, ठंडा मौसम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पानी की बूंदें, जो पापा बता रहे हैं, ठंडी नहीं गिर रही है कि ठंडा हो जाए। पानी बंद हो, पंखा बंद करो तो एकदम गर्मी लगने लगती है। ऐसी ऐसी गर्मी नहीं लगती है, सफोकेशन, एकदम भपका और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जब तक सबके पूरे कमरे के दरवाजे नहीं खोलो आपको आराम नहीं मिलेगा। मुझे तो बहुत ज्यादा सांस की प्रॉब्लम है तो मुझे बहुत ज्यादा घुटन होती है। जब जब नॉर्मल लोगों को घुटन हो रही है तो फिर मुझे तो प्रॉब्लम है, तो सोचिए मुझे कितनी ज्यादा घुटन होती होगी। तो यहाँ जोया ने खाए थे बिस्किट, तो मैं जोया से ये कह रही थी, मैं बर्तन धोने की तैयारी कर रही हूँ तो मैं ये कह रही थी जोया से कि बिस्किट खा लिए थे तो अच्छा है, लेकिन पैकेट तो इतने कायदे से उसने क्यों रख दिया, बाहर डस्टबिन में डाल देती। तो जोया हंस रही थी इस बात पे, मैं सारे बर्तन समेट रही थी तो मैंने सोचा कि देखो उसमें एक आध बिस्किट है कि नहीं। मुझे मालूम तो था, इधर जोया से कह रहा था मम्मा के लिए क्यों नहीं छोड़ा, मम्मा के लिए छोड़ दो, तो दोनों में झगड़ा हो रहा था, तो मैं देख रही थी हो के नहीं। और ऐसे कायदे से उन्होंने उसी में वो पैकेट रख दिया था जैसे कि वाकई में उसमें बिस्किट हो। तो यहाँ पर मेरी बर्तन धोने की तैयारी हो रही है, एकदम ऐसे तो बर्तन धोने की होती नहीं है कि मैं यहाँ गई बर्तन रखे और फटाफट मैंने बर्तन धो लिए, फिर मैं यहाँ बैठूंगी, फिर जो ऐसे बात करूंगी थोड़ी देर, हैदर से बात करूंगी, यही करती हूँ। तो बर्तन धोने की तैयारी, बर्तन देखिए मैं रख आई हूँ सारे समेट के, अब थोड़ी देर फिर कुछ देखूंगी, उसके बाद फिर बर्तन धोऊंगी। यहाँ पर मेरा डबल काम रहता है, एक तो बर्तन और दूसरे कपड़े, तो दूसरे कपड़े लगे रहते हैं। तो यहाँ जब तक मैं बर्तन बर्तन धुलते हैं तो वहां कपड़े भी मेरे धुलते रहते हैं, बर्तन कपड़े धुल जाते हैं, फिर मैं रबड़ ले आती हूँ किचन में तो जल्दी से बोतल भर लेती हूँ, तो दोनों काम हो जाते हैं। मैं कब से कर रही हूँ, मैं शायद रमजान से कर रही हूँ कि मैं रात में कपड़े धो रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा आराम रहता है। सुबह मुझे कपड़े नहीं धोना पड़ते हैं, भाग दौड़ नहीं करना पड़ती है, सुबह वैसे ही इतना सारा काम रहता है और उसमें एक काम और लगा लो और कपड़े रोज धुलना है, आपको मालूम है। ये हैदर जी देखिए, हैदर जी आराम से टीवी देख रहे हैं, और गर्मी लग रही है बाबू को, बाबू को बहुत तेज गर्मी लग रही है, कह रहा है कि मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। मोबाइल में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, और मोबाइल चलाना मतलब वो टाइम वेस्ट करना होता है। ये वाली शर्ट जोया के पापा की टाइट हो गई, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जोया पापा को भी ये कलर बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन देखिए ये टाइट हो गई। और देखिए ग्रीन और ऑरेंज कलर जब साथ में होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं, देखिए ग्रीन ऑरेंज ये कलर देखिए जब साथ में होते हैं, एक होते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कह रही हूँ, कि साथ में होते हैं एक होते हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरती बढ़ती है।
वो देखिए ये शर्ट मैं अब रख दूंगी, और ये उन्होंने पहनी तो उनके टाइट एकदम टाइट, फिर उनको उतारना पड़ी, फिर उन्होंने दूसरी पहनी, और कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैं अब इसी कलर की उनके लिए दूसरी डेली ऑर्डर लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी, हो सकता है नेक्स्ट ईयर लगाऊं, तो अब यही कलर लगाऊंगी क्योंकि ये कलर मुझे भी बहुत पसंद है, उनको भी बहुत पसंद है, और अब उनके टाइट हो गया तो वो तो पहन नहीं सकते हैं। और फिर मैं कहूंगी देखिए ये दोनों कलर ग्रीन और ऑरेंज जब साथ में होते हैं तो कितने खूबसूरत लगते हैं। आपसे इतनी सारी बात हो गई मेरी, यहाँ टीवी में हम लोग का फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है जो बहुत ज्यादा बकवास कर दिया है, अब बोरिंग बोरिंग कर दिया है वो, जिस तरीके से दिखा रहे हैं बिना लॉजिक के वो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, तो मैं तो आ गई किचन में बर्तन धोने के लिए। मैंने सोचा कि क्यों टाइम वेस्ट करो, इतनी देर में मैं आराम से बर्तन धो लूंगी, बर्तन ज्यादा नहीं निकलते अब क्योंकि अब दिन में खाना खाते हैं और दिन में खाना जो खाने के निकलते हैं तो मैं हल्के हल्के बर्तन धो देती हूँ, इस वजह से अब शाम को बर्तन नहीं निकलता। पहले मैं दिन में खाना खाती थी वो दिन में जितना निकल रहा है तो मैं नहीं धोती थी, सुबह के बाद फिर सीधे रात में धोती थी, वो बर्तन बहुत ढेर सारा हो जाता था और आधा घंटा लग जाता था बर्तन ही बर्तन धोने में, लेकिन अब नहीं लगता है, अब थोड़े बहुत बर्तन ही निकलते हैं और थोड़े बहुत में भी बहुत निकल जाते हैं क्योंकि बच्चे चीज खाते हैं उसमें भी एक एक प्लेट निकाल लेते हैं, बच्चे बहुत निकालते हैं, हर बार में एक गिलास चाहिए उनको पानी के, ये नहीं वही गिलास में पी लेने, हर बार इतने सारे गिलास निकल जाते हैं। तो अब बच्चे तो है निकालते हैं, हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग भी निकालते थे, ऐसा तो नहीं कि हम लोग नहीं निकालते थे, बहुत ज्यादा तमीज वाले थे तो ऐसा तो नहीं है, तो बच्चे तो मेरे फिर भी बहुत कायदे के हैं। यहाँ पर देखिए बर्तन धुल रहे हैं, मेरे बर्तन धुल रहे हैं और वहां पर कपड़े, दोनों काम हो रहे हैं। गर्मी पहले चिल्ला रहे थे सर्दी सर्दी सर्दी, अब आ तो रही है सर्दी, है फिर चिल्लाएंगे सर्दी सर्दी सर्दी, कुछ ही महीने दूर है मेरी सर्दी भी आ जाएगी, और अब चिल्लाने गर्मी गर्मी गर्मी, तो चैन कहीं भी नहीं है ना सर्दी में ना गर्मी में, अब तो क्या करें, सर्दी भी बहुत पड़ने लगी है और गर्मी भी बहुत पड़ने लगी है, ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। पहले तो मौसम अच्छा होता था, बाहर बैठ जाते थे शाम के टाइम, सब बाहर बैठते थे, अब तो रात तक गर्म हवाएं चलती हैं, रात में भी आप बाहर बैठने लायक नहीं है अब तो। पहले के दिन बहुत ज्यादा अच्छे थे, धूप सेकते थे सर्दियों में, अब तो बहुत ज्यादा मौसम हो गया है और इसका इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, और पेड़ काट काट के अच्छे अच्छे मकान बनवाओ, पेड़ को पसंद ही नहीं करते हैं लोग, मैंने देखा है जहाँ पेड़ काटने की जरूरत नहीं है वहां तक काट देते हैं। अरे मेरे यहीं पेड़ लगे हुए हैं तो कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम थी, ये पेड़ मेरी छत पर आ रहे हैं, मेरी छत पर आ रहे हैं, तो अब पेड़ ही को पसंद नहीं कर रहे हैं, अब बर्दाश्त करो गर्मी। तो गाइस जो सब भी काम हो गया है और ये अभी खा के आ रहे हैं चिप्स, क्या था नाचोस, तो अभी ये नाचोस खा के आ रहे हैं और सब काम हो गया है। तो आज मैं गई थी डॉक्टर की क्लिनिक और डॉक्टर पास गई थी, डॉक्टर से टिटनेस का इंजेक्शन लगवा कर आई और आपको बताया ही था मैंने कि कैसे मेरे लग गया था, जो है पापा के साथ गई। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं उदय चले जाएंगे या हैदर चले जाएंगे, लेकिन जो है पापा बोले मैं चलता हूँ, तो फिर मैं उनके साथ गई, और उनके साथ गई तो फायदा ही रहा, पैदल नहीं जाना पड़ा, नहीं तो गर्मी में बहुत बुरा हाल हो जाता पैदल जाती। तो इंजेक्शन टिटनेस का लग गया है, अब 6 महीने तक कुछ भी चुभे कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने का है वो टिटनेस का इंजेक्शन, और जरूरी था क्योंकि बारिश हो रही बरसात का टाइम है और वो जो तार लगा था वो बिल्कुल रंग सिखाया हुआ तार था, से तो इस वजह से उससे पहले मेरे एक बार कैंची से भी कट भी लग गया था, तो उसमें इतना नहीं लगा था तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं थी, कल यहाँ इस हाथ में वो ब्लड आ गया था इस वजह से मैंने लगवा लिया। बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अब चाय बनाऊंगी मैं, आजकल रोज चाय के साथ पापड़ तल रही हूँ, लेकिन आज पापड़ नहीं तलूंगी, आज जो है पापा बहुत सारे बिस्किट का पूरा पैकेट ही उठा लाए हैं, तो आज ये बिस्किट से काम चलेगा, और आज सुबह से मुझे घबराहट हो रही है, अभी मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, तो घबराहट जाने क्यों हो रही है मुझे, बस ये पापा से फौरन कह आता है, पापा परेशान करता है, तो आज मेरा कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, खाना खाया है लेकिन बिना भूख के खाना खाया है,
तो गाइस आज का वीडियो हम यही एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।